अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम 40 चक में मौजूद हैं और साथ तारिक साहब। जी तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी हम जा रहे थे 40 चक मसाइल जानने के लिए, तो रास्ते में भाई साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये भी वीडियो वगैरह बनाते हैं और इनको अपने पेज पे अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट जैसे ये कर रहे थे, करने चाहिए। दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ये व्यूज जो है ना ये बढ़ते और कम होते रहते हैं, ये कोई मसला नहीं। हमारी को जरूरत है, आप हमारे साथ लिंक करें, शेयर करें गाँव के कोई मसले हों, क्योंकि मसाइल के लिए हम आ सकते हैं। सईद भाई, सईद भाई, सईद भाई हमारे ये एग्रीकल्चर की वीडियो बनाते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वीडियो बनाते हैं और ये 40 चक से बिलोंग करते हैं। और हम ये कहेंगे कि एग्रीकल्चर के मतलब लोगों को ये बताएं कि अगर आप शहर में रहते हैं और घर में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कितनी जमीन आपको दरकार होगी। हम इनसे इंशाल्लाह ताला इनके गांव जाएंगे, वहां पे इनका इंटरव्यू करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा कि हम अपने घर में थोड़ी सी जगह से कितना फायदा उठा सकते हैं। और ये भाई 42 चक से बिलोंग करते हैं और हम 40 में और 42 का वीडियो इनका रिजल्ट बनाएंगे, व्यू करेंगे इनके कैप्चर, तो लोगों के क्या उस बारे में इजहारे ख्याल है वो हम जरूर बताएंगे। और भाई ने ये कहा था क्या व्यूज हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या ख्याल आते हैं, जो भी उनकी राय होगी ना वो उसी तरह हम आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारी कोशिश ये होगी कि हर वो बंदा जो अपने इलाके के मसाइल पे आवाज उठाता है उसको प्रमोट करें, उसका साथ दें और उसके लिए कोशिश करें कि वो अपनी आवाज को हुकाम तक, आला हुकाम तक पहुंचा सके। क्योंकि इंशाल्लाह ताला सर, जब आप, मैं गांव में हूँ ना, आप मुझसे मिलेंगे ना तो मैं जानता हूँ, मैं उधर रह रहा हूँ कि मेरे गांव के मसले क्या हैं। जी मैं आपको परफेक्टली सभी ओरिजिनली जो मसले हैं वो आपको ओरिजिनल तौर पे बताऊंगा, क्योंकि हम सादा लोग हैं। तय हो गया, हम गांव आपका विजिट करेंगे। मुझे पहले लगा था कि भाई कहीं 40 चक रहते, मगर भाई बता रहे 42 चक रहते। ये दिखाएं जी, हमें गांव में पानी किस तरह लगाया जाता है ये भी दिखा दें जी। इस तरह पानी लगाया जाता है, ये देखें किस तरह ये लगा रहे पानी। और अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? की नाम है तुम्हारा? राणा बिलाल जी। बिलाल भाई तुसी तो मजे ले रहे हो पंजाब दे, असि तो शहर च रहने ते असि तरसदे हां उत्थे कि अपना गांव वेखिए गांव दा, मगर असि जरूर तुहाडे कोल आए, सानू अच्छा लगा, तुसी सानू बहुत अच्छा इत्थे प्यार मोहब्बत दित्ती ते वेलकम भी कीता भरा ने साडा 40 चक दे अंदर आंदे वक्त, ते सानू बड़ा अच्छा लगा। ते और भरावो की तुसी कहना चाहोगे पिंड दे बारे च, की दस्सो? पिंड दे खिलाफ ते यार हालात ही एवें दे होए पए आ, गुरबत ही एवें दी आ अजकल। अच्छा, फिर 42 चक मुलाकात होगी जी। तारिक साहब तुम आखिरी पैगाम कोई देना चाहो तो दे सकते हो? आखिरी पैगाम क्यों जी, आप गांव चले हां। हां जी, उत्थे जाके जिहड़े मसाइल होणगे उन्हां नूं जानण दी कोशिश करने आ, ते ओह ही आपां सारे के सामने रखांगे। उन्हां लोगों के सामने जिहड़े साहब इकतदार हुंदे ने और जिन्हां दे हत्थ विच काम हुंदा है कोई उन्हूं करवा सकदे हुण, ते साडी दरख्वास्त होवेगी कि जिहड़े पिंडां दे मसाइल ने ओह जिहड़े ने उन्हां वास्ते जिहड़ा खुसूसी तवज्जो देन, बड़ी मेहरबानी।